मांड्या, बेंगलुरु से लौटते समय हुए भीषण हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मद्दूर तालुक में गज्जालगेरे के पास मैसूर बेंगलुरु राजमार्ग पर आज सुबह एक कार चलती लॉरी से टकरा गई। मृतकों की पहचान 23 वर्षीय सद्दाम शरीफ और कार के चालक शाकिब के रूप में हुई है। हादसे में मृतक सद्दाम शरीफ के परिवार की 24 वर्षीय नसीरा, 20 वर्षीय निखत और 26 वर्षीय जहीर घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिक्कमगलुरु। आज सोमवार को चिक्कमगलुरु जिले के बालेहोनूर के पास कांड्या में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय प्रकाश और 30 वर्षीय प्रवीण के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जब पीड़िता बाइक चला रही थी तभी आरोपी ने देसी राइफल से फायरिंग कर दी। आरोपी रमेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मंगलुरु। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स ऑफिशियल्स ने 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच यात्रियों से 91.35 लाख रुपए मूल्य का 1625 ग्राम सोना जब्त किया है। सीमा शुल्क की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुबई और बहरीन से आने वाले 5 पुरुष यात्रियों के पास से सोना जब्त किया गया। सोने की तस्करी कई तरीकों से की जाती थी, जिसमें इसे ट्रॉली बैग के हैंडल में, मलाशय में, मुंह में और कार्डबोर्ड बॉक्स में एक पतली परत के रूप में चिपकाना शामिल था। बेंगलुरु। आईपीएस अधिकारी डी रूपा और आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी की लड़ाई जो राज्य भर में चर्चा में है। आज रोहिणी सिंधुरी ने सरकार के मुख्य सचिवों से मुलाकात की और शिकायत की। आज विधान सौधा पहुंची रोहिणी सिंधुरी ने राज्य की मुख्य सचिव वंदिता शर्मा से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। वह घर से सीधे विधान सौधा गए और राज्य की मुख्य सचिव वंदिता शर्मा से मिले और रूपा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई क्योंकि रोहिणी मीडिया और जनता से घिरी हुई थी। उन्होंने कहा डी रूपा उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। संबंधित सोशल मीडिया लिंक दिया गया है। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली का उल्लंघन। डी रूपा ने मुझ पर 20 झूठे आरोप लगाए। रोहिणी ने सीएस से डी रूपा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजनीति। भाजपा के पूर्व विधायक केएस किरण कुमार और संदेश नागराज और जेडीएस के एच निंगप्पा सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बारे में पार्टी ने कहा कि यह आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इसे बढ़त दिलाएगा। कुमार, जिनके पास आरएसएस की जड़ें हैं और अनुभवी भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के वफादार के रूप में देखे जाते हैं, ने पूर्ववर्ती कलम्बेला खंड का प्रतिनिधित्व किया। 2018 में उन्होंने कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी के लिए चिक्कानायकनहल्ली टिकट पर अपना दावा छोड़ दिया। कर्नाटक राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के अध्यक्ष ने भाजपा छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उन्हें इस बार भी चिक्कानायकनहल्ली से टिकट मिलने की संभावना नहीं है। बेंगलुरु। सीएम बोम्मई ने बिल्लावा ईदिगा समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग के जवाब में श्री नारायण गुरु विकास निगम की स्थापना की घोषणा की। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राज्य में ईदिगा बिल्लाव समुदाय के विकास के लिए श्री नारायण गुरु के नाम पर एक विकास निगम स्थापित करने का आदेश जारी किया है। सीएम बोम्मई ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और कहा, श्री नारायण गुरु विकास निगम जो राज्य के बिल्लावा ईदिगा समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी स्थापित कर दिया गया है और एक आदेश जारी किया गया है। यह निगम ईदिगा बिल्लावा सहित 26 अन्य महत्वपूर्ण उपजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेगा। बागलकोट। श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने गरजते हुए भड़काऊ भाषण दिया है कि अगर एक हिंदू लड़की जाए तो 10 मुस्लिम लड़कियों को गोली मार दी जाए। बागलकोट में एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, हिंदू लोगों और हिंदुओं की बेटियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। हमें मुसलमानों को चेतावनी देनी चाहिए। हिंदू युवा भी जानते हैं कि कैसे पैर रखना है। मैं युवा शक्ति को आमंत्रित करता हूं। मैं कहता हूं कि अगर कोई हिंदू लड़की जाती है तो 10 मुस्लिम लड़कियों की शादी होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि श्री राम सेना आपको सुरक्षा, रोजगार और सभी प्रकार की जिम्मेदारी देगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सोमवार को कहा कि उनकी देश में एकमात्र पार्टी है जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि, कैडर आधार और व्यापक अनुयायी हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस सहित देश में लगभग सभी अन्य राजनीतिक दल परिवार या वंशवादी दल हैं, जबकि भाजपा के लिए पार्टी ही एक परिवार है। नड्डा ने कहा, हम विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अपने राजनीतिक अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भाजपा देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि, कैडर आधार और बड़े पैमाने पर अनुयायी है।